हिंदुस्तान में 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो इंडिया का, 4 घंटा टाइम देगा बचने के लिए। जहां सांप काटता है, इत्मीनान से अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, आराम से उस जगह को पहले धुलिए, वहां 2 उसका दांत दिखेगा, ब्लड हल्का सा वहां का काला हो जाएगा। और अगर अस्पताल ज्यादा दूर है, जबड़ा सांप में पैरोटिड ग्रंथि में जहर पाया जाता है, जब काटता है ना तो लार टपका देता है। जैसे हम लोग दांते काटेंगे तो थोड़ा सा लार लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, उसी तरह सांप काटेगा ना तो उसकी पैरोटिड ग्रंथियां ऊपर होती है, जब वो दांत ज्यादा गड़ाएगा तो उसमें क्या चला जाएगा, जहर। एक बूंद कहाँ चला जाएगा, जहर चला जाएगा। जहर चला जाएगा तो आपके आपके ब्लड को क्लॉट कर देता है, क्या कर देगा, क्लॉट, गाढ़ा कर देगा, ब्लडवे नहीं बहेगा आपका, और वही स्ट्रोक आ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्लडे नहीं जमेगा, नसें फट जाएंगी, हार्ट तक रुक जाएगा। इसलिए जहां सांप काटता है, इत्मीनान से अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, जितना तेज बीपी बढ़ेगा, हाई घबराएंगे, वो तेजी से फैलेगा, आराम से उस जगह को पहले धुलिए, वहां 2 उसका दांत दिखेगा, 2 क्या दिखेगा, दांत दिखेगा, उस जगह पर इंजेक्शन लेके निकाल दीजिए, इंजेक्शन से खींच दीजिए, इंजेक्शन का वो लकड़ी वो वाला नोकिया निकाल दीजिए, और खाली ये वाला जो होता है ना, ये वाला सुइया निकाल देंगे तो ये वैक्यूम बना लेगा, और खींचने में क्या करेगा, आसानी करेगा, हल्का सा खींचा रहा है तो खींच दीजिए, सीरिंजो है तो खींच दीजिए, तो इनसे ब्लड हल्का सा वहाँ का काला हो जाएगा, वहाँ का ब्लड हल्का क्या हो जाएगा, डार्क कलर का। उसके बाद शांति से जाइए जिला अस्पताल में, वहाँ पे आपका एंटी टॉक्सिक जो होता है, एंटी वेनम इंजेक्शन होता है हर सरकारी हॉस्पिटल में, स्नेक का होता है, और वो क्या करेगा, निकाल देगा। और अगर अस्पताल ज़्यादा दूर है या कहीं और है, आदमी उसको पानी चढ़ा देता है, इतना ना पानी चढ़ा देता है, खून में पतचूर हो जाता है। जैसे आपके सब्जी में नमक बढ़ गया है, डाल दो 1 बाल्टी पानी, सब नमक चल जाएगा, सब्जी ना खराब होगा, कोई नहीं ना कहेगा कि नमक तेज था। वैसे ही ब्लड पंचूचूर हो जाएगा, मरेंगे नहीं ना जी, तो उसको क्या कर देता है, पानी चढ़ा देता है। बाकी डॉक्टर के पास जाइए, हिंदुस्तान में 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिसमें महज 4 सांप जहरीले होते हैं, महज 4 से 5, बाकी जहरीले नहीं होते। तो कुछ झाड़ने वाले आते हैं, वो उस 450 में 4 को छोड़ के झाड़ देते हैं, कभी कभी 4 को काट देता है तो वो झरा जाते हैं, समझा गया कि नहीं गया। आज के जमाने में झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास नहीं कीजिए, वो एक समय था जब रोजगार का साधन था, समझे, अभी देर झाड़ फूक के चक्कर में रहेंगे ना चल जाएंगे, नहीं कोबरा काट लेते, नहीं झाड़िए नहीं बचेंगे। हाँ, कोबरा भी काट दे आपको, कितना भी जहरीला सांप हो इंडिया का, 4 घंटा टाइम देगा बचने के लिए, और अपने जिला में आप 1 घंटा पहुंच सकते हैं, आप किसी भी कोना में रहिएगा, अपने जिला मुख्यालय पर 1 घंटा में पहुंच सकते हैं, कोई भी टेम्पू रिजर्व करिए, भाग जाइए।